इट इज द एक्सटेंशन ऑफ आवर प्रीवियस टॉपिक ऑफ द बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द बजट लाइन एक बजट लाइन को हम जब तय कर रहे हैं कि बजट लाइन एक कॉन्स्ट्रेंट होगा इसके बियॉन्ड कंज्यूमर मूव नहीं कर सकता बिकॉज इट गिवस हिम द अफोर्डेबिलिटी और अब अगर ये अफोर्डेबिलिटी की एक रेंट है तो उसके लिए हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को तय करना होगा तो अगर हम देखें तो बजट लाइन ये एक वो सेट होगा जो उसका एक्सपेंडिचर ऑफ द बंडल ऑफ गुड्स को तय कर रहा होगा और ये एग्जैक्टली exactly उतनी ही अमाउंट दे रहा होगा जितनी उसकी इनकम है या उतनी दे रहा होगा जितनी कि वो मैक्सिमम यूटिलाइज अपने उन कमोडिटीज़ पे कर सकता है देर कैन बी पॉसिबिलिटी कि एक कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम को एक्सपेंडिचर के फॉर्म में इस्तेमाल ना कर रहा हो तो ये भी पॉसिबल है कि उसका वो एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटीज़ लेस देन बजट हो तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि ये वो लिमिट होगी जो कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर या अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में उसको मिल रहा हो ये वो होगी नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर कि वो उसको फुली यूटिलाइज करता है या नहीं करता और उस लाइन से बिलो के जितने भी बंडल्स बनते होंगे जितनी भी कम्बिनेशन वो उसकी अफोर्डेबिलिटी रेंज होगी और उस लाइन के ऊपर मैक्सिमम रेंज होगी और बियॉन्ड देन दैट इट विल बी आउट ऑफ अफोर्डेबिलिटी अब अगर हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्लेन करें जिसको हम डायग्राम ताकि हम उसको ग्राफिक्स की फॉर्म में जब हमने कैलकुलेट करना है तो हमें इसके कुछ पॉइंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा तो अब उसके लिए अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास कमोडिटीज एक्स वन एक्स टू हैं उनकी रेलिवेंट प्राइसेस पी वन पी टू हैं और ये प्राइसेस उसको जो बजट सेट ऑफ कंज्यूमर हमें देती हैं अब अगर हम इस डायग्राम में एक्सप्लेन करें तो हमारे पास अगर हम देखें तो टू कमोडिटीज़ जिनको हम तय कर रहे थे तो इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी एक्स वन जो है वो हो रहा है पी वन एक्स वन और जो एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी एक्स टू हो रहा है वो हो रहा है पी टू एक्स टू ये है कमोडिटी एक्स का एक्सपेंडिचर और ये हो रहा है एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी एक्स टू अब अगर दोनों फॉर्म में हम देखें तो इसका मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर कि वो अपना बजट आइदर एक्स वन एक्स टू के ऊपर डिवाइड करके फिफ्टी फिफ्टी की फॉर्म में खर्च करना चाहता है या किसी एक कमोडिटी को ज़्यादा दे के किसी दूसरी को कम खर्च करना चाह रहा है या ये भी मुमकिन है कि वो उसके पास जितना बजट है वो सिर्फ़ एक कमोडिटी पर लगाना चाह रहा हो तो अब चूंकि हमने इसके अंदर एक बाउंड्री या कॉन्स्टेंट तय करना है तो अब हम इस फॉर्म में अगर देखें तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखते दे हैं कि उसके पास जो इनकम अवेलेबल है वो हमारे पास अगर एम दैट इज़ इक्वल टू पी वन एक्स वन है और दूसरी तरफ दैट इज़ इक्वल टू पी टू एक्स टू है अब अगर हमने यहाँ से करें तो हम सपोज करते हैं कि अगर कंज्यूमर अपनी तमाम की तमाम इनकम सिर्फ एक कमोडिटी के ऊपर इस्तेमाल कर ले तो मेन व्हेन वो एज्यूम करे कि अगर उसने X2 को ख़रीद नहीं करना तो इसका मतलब है M विल be टू ओनली एंड ओनली only X1 और इस फॉर्म में जो है वो एक्स वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा एम बाई पी वन और यही एम बाई पी वन जो है ये हमेशा हमारा वो कोऑर्डिनेट पॉइंट देगा जहाँ पे हम एक्स वन की मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हम देखें अगर वो एक्स वन को ज़ीरो परचेज करे और तमाम इनकम एक्स टू पर खर्च करे तो वर्टिकल एक्सिस का मैक्सिमम पॉइंट जो वो अटेन कर सकता है वो उसको एम बाई पी टू से मिल जाएगा हमें अब अगर इस फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास इस ग्राफ में एक पॉइंट ए अवेलेबल है उसी तरीके से एक कम्बिनेशन का पॉइंट बी अवेलेबल है और एक कम्बिनेशन का पॉइंट सी है अगर हम इसको ड्रा करें तो देखें तो बी के ऊपर हम देखें तो हमें एक्स वन की मॉडिटी इतनी मिलती है और एक्स टू की इतनी मिलेगी अगर सी को मैं ड्रा करना चाहूँ तो इतनी ये दोनों हमारे पास मौजूद है और अगर इसी तरीके से हम ए के ऊपर जाएं तो ये हमेशा कम्बिनेशन हमारा वो हमें इस फॉर्म में मिलता है तो ये जितने भी कंबिनेशन हमें एक्स वन और एक्स टू के होंगे इसका मतलब है दीज़ आल आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर बट दीज आल कम्बिनेशन दे आर लेस देन एम ये उसकी इनकम से कम पे हैं और अगर उसके बाद हम देखें तो वो तमाम पॉइंट जो जस्ट अबव और जस्ट ऑन द लाइन ऑफ द बजट हैं ये तमाम कम्बिनेशन वो होंगे कि जो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी परचेज करके उसकी अफोर्डेबिलिटी में आते होंगे तो so, ये लाइन के ऊपर मौजूद जितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी ये इक्वल टू बजट लाइन होंगी या कॉस्ट लाइन होगी उसी तरीके से एक पॉइंट हमारे पास डी है ये वो पॉइंट है अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ तो अगर आप देखें तो दिस कैन गिव यू अमाउंट ऑफ एक्स टू लाइक दिस और एक्स वन की अगर हम देखें तो इतनी तो ये एक वो कम्बिनेशन ऑफ x1 और x2 है जो हो सकता है कि कंज्यूमर की विश लिस्ट में ज़रूर मौजूद हो ही इज़ मोर डिज़ायरस टू अचीव दिस लेकिन ये उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता चूँकि ये उसकी बजट और इसको वो सिर्फ और सिर्फ उस पाम में ख़रीद कर सकता है कि जब उसकी कमोडिटी की या तो प्राइसिस कम हो जाए ताकि वो प्राइसेस कम होने की शक्ल में देखें तो ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं ये कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो हमारी बजट लाइन है वो यहाँ से एक्सपेंड करते करते वो यहाँ तक आ सकती है और दूसरी फॉर्म वो हो सकती है कि हमारा जो एम बाई पी वन और एम बाई पी टू में जो न्यूमरेटर एम है वो इनक्रीज़ इतना हो जाए कि वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाए तो हम इसको खरीद कर सकते हैं तो अदरवाइज दैट इज़ आवर बजट कॉन्स्ट्रेंट और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमने अपने सामने रखी इसमें अगर एक चीज़ और है अगर हम कमोडिटी में जिस तरह हमने पहले एक्स वन और एक्स टू में से उनको एक को ज़ीरो करके रखा है अगर हम उसको ज़ीरो ना करें बल्कि उसी फॉर्म को अगर हम कैलकुलेट करते हुए ये इसी क्वेश्चन को रीअरेंज करें इन द फॉर्म के अगर वो ज़ीरो ना हो और वहां से कमोडिटी x2 की हम क्वांटिटी वो लें तो हम जो हमें देता है वो ये है कि x2 टू इज इक्वल टू टू पार्ट्स जिसमें अगर हम देखें तो m बाई पी टू वन और सेकेंड है p1 वन बाई पी टू इंटू अब अगर हम इसको इसी ग्राफ के ऊपर जाके देखें तो m बाई पी टू इज दिस इट मीन्स दैट इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल एक्सिस एंड P2 और P1 की जो रेशो हमारे पास P1 और P2 की आ रही है अगर हम इसको देखें तो बेसिकली m बाई पी टू वर्टिकल इंटरसेप्ट है और ये हमेशा हमारी जो सेकेंड P1 वन बाई पी है ये उसकी स्लोप है अगर स्लोप को हम देखें परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस की फॉर्म में अगर हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम देखें तो हमारे पास एम बाई पी टू डिवाइडेड बाई एम बाय पी वन से जब हम निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू एंड वेन इट इज मल्टीप्लाई बाई एक्स वन सो दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन मल्टीप्लाई बाय द एक्स वन सो दिस इज वन इज दैट इन द रेशो हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट एंड वर्टिकल और उसकी यूटिलाइजेशन से हम अपने बजट लाइन के दो एक्सिस को एक्स इंक्लूड uh, करते हैं और जो बजट लाइन है अगर हम देखें तो एक्चुअली इट मईर्स द रेट दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू विलूट ऑफ द गुड एक्स टू द गुड एक्स टू तो बेसिकली ये सब्सटीट्यूशन ऑफ़ द टू गुड्स के दरमियान की जो एक्चुअल सब्सटीट्यूशन है उसके बजट की सब्सिट्यूशन है और दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं कि एक्चुअली द बजट लाइन जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन कमोडिटी टू द अदर को मैयर करता है अब इसकी प्रॉपर्टी में अगर हम देखें कि जो सब्सिट्यूशन है वो क्या हमारे पास चीज़ें देती है तो अगर हम उसमें से बहुत सी को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर हम इसमें देखें कि x1 अगर कंजम्पशन है हमारे पास और वो चेंज हो रही है और उसको हम ऐड करें तो इन दी स्टेप्स में अगर हम देखें तो टोटल मैयर करते हुए हम एक्चुअली देखते हैं कि x1 के ऐड होने से हमारी टोटल कंजम्पशन के ऊपर डिफरेंस कितना बना है और उसकी टोटल वैल्यू पे कितना फ़र्क आया Properties of budget line actually है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन एक्चुअली हमें हेल्प आउट करती हैं कैलकुलेट करने में कि अगर कहीं पे उसकी कंजम्पशन का बंडल चेंज हो रहा हो तो उससे उसकी टोटल एक्सपेंडिचर पे और उसकी टोटल वेलफेयर पे कितना फ़र्क पड़ेगा तो अगर हम देखते हैं तो ये सब्सिट्यूशन ही है जो हमें प्रोवाइड करती है कि अगर चेंज इन एक्स वन इंक्रीज की फॉर्म में होगा तो उसकी इन ल्यू ऑफ उसको एक्स टू को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस टोटल में तो हम देखते हैं कि चेंज इन एक्स वन इज बेसिकली ऑफ सेट बाय द चेंज इन एक्स टू तो टोटल बजट उसका वहीं का वहीं रह जाता है और इसी की वजह से जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास एक इक्वलिटी हमारे सामने आती है वो ये है कि बजट कॉन्स्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल अगर हम देखें तो ये रेशो होगा नेगेटिव ऑफ द प्राइस रेशो और ये नेगेटिव साइन ही जो है ये हमें शो करता है कि एक कमोडिटी को गेन करने के लिए उसकी दूसरी कमोडिटी का लाजमान उसको उसको लीव करना पड़ेगा आइदर इट विल बी फ्रॉम फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू और इट कैन बी फ्राम एक्स टू टू एक्स वन वट एवर विल बी द डायरेक्शन लेकिन प्राइस रेशो हमेशा नेगेटिव साइन के तहत आ रही होगी और इसीलिए इस सिचुएशन में हम इसको रेशियो ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं थैंक यू